तो मैंने भी आज इनवाइट किया था, आज ईद का दूसरा दिन है तो ईद के दिन भी गोलगप्पे बना लिए। पता नहीं ईद के गोलगप्पे खाते हैं कि नहीं खाते, लेकिन मैंने बना लिए। हाँ वो फाइल ही लग रहा है, डालो हाँ इसके अंदर वो अमेजा इसका। खटाई भी मजे की बनी है ना, इमली की बनाई है। नहीं बीच में डिप करके खाओ इसको, बीच में इसकी डुबकी लगाओ। ये इमली की है, बीच में डालो ना क्या। और ऊपर ये वाली चटनी जो है ना, ये वाली डाल के ना ऊपर इसके, मैं आपको खा के दिखाऊं। वही है, खाओ तुम, निकलो। मजे की है, सेम टेस्ट है, कोई अलग नहीं है। तो बेचारे से गोलगप्पा बाहर फट गए, कोई बात नहीं जाती, खाया नहीं गया बेचारे ने, चूजे क्या हुआ था। मुंह में डालते डालते ही टूट गया सारा गोलगप्पा इसका। खाना वगैरह हमने खा लिया, फिर नमाज भी पढ़ ली इशा की, तो फिर उसके बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट किया। अब हम आ गए बाहर घूमने के लिए, यहाँ पर ये क्वेट टावर्स, तो इस प्लेस पर हम आए यहाँ घूमने के लिए। मेरा गला खराब है। ये वाली पार्किंग खुली हुई है क्योंकि यहाँ मैकडोनल्ड है, तो ये पार्किंग खुली हुई है। बाकी पार्किंग पीछे जितनी है वो बंद हुई है अभी। टावर्स पे भी बहुत रौनक लगी है, बहुत लोग आए हुए हैं देखो। बस हम भी ऐसे ही एंजॉय करने के लिए आ गए। ये है जी एक्वा पार्क, यहाँ पर पहले एक्वा पार्क था, बहुत बड़ा था, तो उसको सारा बंद कर दिया, नया बना रहे हैं, फिर रिपेयर हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत एक्वा पार्क था पहले भी, तो उसको सारा इन्होंने गिरा दिया, गिरा के अब नया बनाया, नया बन रहा है अभी। ये मिट्टी जो है ना ये वाली, यहाँ पर सख्त है, पुराना सारा इन्होंने तोड़ दिया। पहले जो पुराना था वो भी बड़ा अच्छा था, बहुत खूबसूरत था वो भी एक्वा पार्क, और पुराना था वो बहुत, लेकिन अच्छा था वो भी। तो यहाँ पर सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पर, तो ये बना रहे हैं नया, अगर जून के महीने तक बने, मुश्किल है जून के महीने तक, क्योंकि साल तो हो ही गया इसको यहाँ बनते हुए। तो आज समंदर का पानी जो है ना वो उतरा हुआ है नीचे, दूर तक गया हुआ है, और वो सामने ये जो लाइटें नज़र आ रही है लाइन लाइट की, ये वो ब्रिज है जो समंदर पर बना हुआ है, तो इस पर भी हम जाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। मौसम बदल के देखिए, हम जरा थोड़ा इधर आए हैं, देखते हैं, घूम रहे हैं इधर इधर क्या है, इधर जाके देखते हैं। तो यहाँ पर लोग टेनिस खेल रहे हैं, मैच हो रहा है, कोई भी आके यहाँ पर खेल सकता है। यहाँ पर हमारे बच्चे खेल रहे हैं, अपने हैंड से खेल रहे हैं, ये दोनों टेरेस ले आते हैं उनके खेलने के लिए। चलो बॉलिंग कराओ एक दूसरे को। अब हम भी टेनिस खरीद लेंगे तो फिर वो लेके आएंगे। चलो चलो वो गई बॉल, मौसम बदलेगा तो हम फिर यहाँ पर आएंगे खेलने के लिए, ठीक है। आ गया है एरिया बच्चों के खेलने का, जाना है आगे।
This is the famous tree. Kidhar ja? ये है जी कुवैत का सबसे बड़ा स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम। हमने इसमें लाइव फुटबॉल मैच देखा था, फाइनल। बादल और सूरज की आंख मचोली लगी हुई है। बादल सूरज के आगे आ रहे हैं, जा रहे हैं। फिर जहरा जा रहे हैं। सूरज जो है ना वो हम क्लियरली देख सकते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे मून है। कोई इसकी वो ऑरेंज रेड जो इसकी येलो रोशनी होती है वो नहीं नज़र आ रही, बिल्कुल वाइट कलर का नज़र आ रहा है। साथ वाला जो रोड है ना ये सऊदी अरब के बॉर्डर को जाता है, हम ये वाले रोड पे। ये रास्ता भी सऊदी अरब के बॉर्डर को जाता है, ये भी है राइट में, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से थोड़ा ही दूर है। दूर धुंधला धुंधला नजर आ रहा है क्योंकि मिट्टी चढ़ी हुई है इस साइड में भी। ये गुंजान इलाके हैं, हैदराबाद इलाके, बहुत दूर मट्टी के सहरा के पहाड़ हैं, धुंधले धुंधले नजर आ रहे हैं। राइट, तो यहाँ हमारी गाड़ी को चारों तरफ से सिक्योरिटी वाले ने चेक किया है, गाड़ी चेक किया। अब हम अंदर जा रहे हैं। तो हम पार्किंग में आ गए हैं और गार्डन में जाने लगे हैं।
स्वान बोट। तो इसके अंदर भी बहुत सारे बच्चों के लिए झूले हैं, यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारे झूले हैं अंदर। बहुत ज़्यादा मिट्टी चढ़ी हुई है, बहुत धूल छाई हुई है मिट्टी की। इधर तो अंधेरा हो गया है मिट्टी की वजह से। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मिट्टी बहुत चढ़ी हुई है अभी भी, तूफान मिट्टी और उसके अंदर ही हो रहा है ये सारा। कितने सारे की चेन्स डिफरेंट डिफरेंट किस्म के।
ईद को मुबारक। ईद को मेला लगा हुआ है, ईद के दिन से शुरू हुआ है। हम आज हैं तो कितना, कौन सा वाला दिन है यहाँ? हम फोर दिन, हाँ फोर वाले दिन में आए हैं, फोर्थ डे को आए हैं। तो मेला तो बहुत खूब लगा हुआ है। पहले हम गए थे एक गार्डन में जहरा, अभी इधर आ गए हम क्योंकि कल जुम्मा है तो थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं हम। बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पर, कुछ मैंने दिखाए हैं। यहाँ पर आप अपनी पसंद के प्रिंट लगवा सकते हो, शर्ट लेके यहाँ से। जंप कर रहे हैं, इससे आपने बचना है। ओह जंप करना है आपने। चलो जी खेलो खेलो। अब्दुल्ला दी की मामू इधर आओ, देखो इसको क्या सांस चढ़ गया।
क्या मिला आपको? हद केचप ज्यादा स्वीट होता है खाना पीना तो खाना पीना ही होता है। मिट्टी बहुत चढ़ी हुई है लेकिन फिर भी मेला लगा हुआ है। मैं तो अब घर जा रही हूँ, बहुत हो गया। ये तो कब तक लगा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना ना भूलें, लाइक भी करें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं